हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डेट्स एंड वॉलनट केक, वो भी बिना अंडा, बिना ओवन और बिना मैदे के। तो डेट्स और वॉलनट केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 खजूर ले लिए हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट वाले खजूर हैं जिसका जो सीड्स है हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास सॉफ्ट वाले खजूर ना हो ना, तो फिर आप उसे दूध में भिगो कर रख सकते हैं 1 घंटे के लिए और फिर यूज़ कीजिए। खजूर को यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और उसमें डालेंगे 1 कप दूध, जिसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर मिक्स करके रखा था। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने ग्राइंड तो छोटे वाले ग्राइंडर जार में किया था, लेकिन ये बड़ा वाला कहाँ से आ गया। वो छोटा वाला जार जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, थोड़े बहुत छींटे दूध के ऊपर उड़ने लगी, तो अब इसीलिए मैंने उसे बड़े जार में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप भी जब भी ग्राइंड कर रहे हैं ना, तो बड़े वाले जार में ही कीजिएगा। अब उस पेस्ट में मैंने डाल दिया है 1/2 कप चीनी, पिसी हुई चीनी है, और 1/2 कप ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख दीजिए। और एक बड़े से बोल के ऊपर मैंने छन्नी रख दी है, जिसमें हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से छान लेंगे हम। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं ये केक, लेकिन गेहूं के आटे से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और अगर आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ नहीं करना चाहते ना इसमें, तो उसकी जगह आप चाहे तो जैगरी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच वॉलनट्स डाल दिए हैं, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। अब हम दोनों वेट और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। आप चाहे तो विस्क का मदद भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे कभी कभी ओवर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो केक है ना, वो अच्छे से राइज नहीं हो पाता। इसीलिए हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जो आटा है ना, वो बचा नहीं रहना चाहिए, और उसकी गांठे पड़ जाएंगी ना, तो भी केक में उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला एसेंस 1 चम्मच। आप चाहे तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, तो ये चॉको डेट्स एंड वॉलनट केक बन जाएगा। दूसरी ओर मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है, जिसे मैंने नीचे बटर पेपर से लगा दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से भी ग्रीस कर लिया था। अब जो केक मिक्सचर हमने बनाया था ना, वो इसमें एकदम हल्के हाथ से डाल देंगे और ऊपर का जो लेयर है ना, वो अच्छे से लेवल कर लेंगे। और अब बहुत सारे कटे हुए वॉलनट से इसे गार्निश करेंगे ऊपर से। आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अखरोट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, और एकदम बारीक बारीक चॉप करके लिया है। हल्का सा टैप कर लेंगे इसे 2 बार, और फिर हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, जिसमें नीचे मैं नमक लगा दूंगी और उसके ऊपर रख दूंगी वायर रैक। ढक्कन लगा के इसे प्री हीट कर लेंगे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमारा जो केक टिन है ना, वो रख देंगे और फिर से इसे हम बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 40-45 मिनट्स के लिए। तो 45 मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं, और हमारा केक देखते हैं रेडी है कि नहीं। तो हमारा जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन निकल कर आया है, मतलब हमारा केक तैयार है। इसे ठंडा कर लीजिए। इसका बटर पेपर हम निकाल देंगे नीचे से, और फिर इसे पलट कर कट करेंगे पीसेस में। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना मैदे के भी बहुत ही टेस्टी केक बनकर रेडी हुआ है यहाँ पे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।